जमीन पर यह परिवर्तन वाकई हुआ है उसका कितना खामियाजा उठाना पड़ा है वो वाकई एक जांच का विषय हो जाता है। लेकिन अभय दुबे जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। श्वेता जी देखिए, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी कुछ मत करिए। अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों के जितने इंटरलोक्यूटर्स हैं, जितने उन्होंने कमेटी बनाई है, उनकी रिपोर्ट एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। चाहे वो केसी पंत हो, चाहे वो एनएन वोरा हो, चाहे वो पटगांवकर हो, चाहे वो जेटली साहब या जेठमलानी जी हो, आप सेंटर स्टेट रिलेशन पर फोकस करके क्या कह रहे हैं अभी सारे विशेषज्ञ कि वहां के जो इनोसेंट यूथ जिन्होंने कभी अपराध में भाग नहीं लिया वो आतंकवादियों की भूमिका निभा रहे हैं। इसका मतलब है आपने घाटी के नागरिकों से प्रतिशोध लेकर चुनाव लड़ा। अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीति का मैं खुलासा करता हूं। कौन है जानते हैं आप? जिनको आपने सरकार बनानी थी पीडीपी के साथ, जिनको स्टेक होल्डर बताया था, आज जिनको आतंकी बता रहे हैं ना, वो लोग मिलने आए। मीरवाइज उमर, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, और किसने बहिष्कार किया, किसको न्योता दिया था अटल जी अडवाणी जी ने, जानते हैं आप? यासीन मलिक और शब्बीर शाह को, जिन्होंने इनकार कर दिया आने से। आप दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं गौरव भाटी आपको, मैं वही कह रहा हूं, ये देखिए ना, आपको तो यासीन मलिक और मनमोहन सिंह की तस्वीर दिखा रहे हैं। वो यासीन मलिक ने इनकार कर दिया इनके पास आने से, ये उनको स्टेक होल्डर बता रहे थे, अटल जी ने भी उनको बुलाया। क्या हुआ पीडीपी के साथ, मुझे बताइए ना, सैफुल्ला की तस्वीर क्यों नहीं बताते? आतंकी जिसको आपने टिकट दिया 2013 में, सैफुल्ला जैसे आतंकी को आपने वार्ड नंबर 13 से कश्मीर में टिकट दिया, पंडितों की हत्या का आरोपी। हमने कहा था मसरल आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर मान लीजिए एसपी का, आपने छोड़ा, उस दिन से ये तबाही प्रारंभ हुई। आप बुरहान वानी के घर मुआवजा लेकर गए, आज निर्मल सिंह कहां है, उप मुख्यमंत्री गुप्ता जी को बिठाया, पूछिए ना कि वो मुआवजा देने गए कि नहीं गए। आसी अंद्राबी को ब्रांड एम्बेसडर आपने बनाया, जब सत्ता की भूख मिटानी थी तो अलग स्वरूप था। आज हम देश जी समय बराबर मिलेगा, अच्छा लगेगा। फिर से आपको ये कमिटी, सुनिए आखिरी बात कहना चाहता हूँ, सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, समय दीजिए तो का गठन कीजिए। वहां पर गंभीरता इतनी बढ़ गई कि चाइनीज कॉप्टर से और चाइनीज राइफल से ड्रग्स ड्रॉप किए जा रहे हैं, वेपन्स ड्रॉप किए जा रहे हैं, और वो कौन से चाइनीज वेपन से जानती हैं आप, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी के लिए लगे हैं। तो अकेला पाकिस्तान नहीं, सरकार अपना काम करे, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को यूज करके पाकिस्तान पर दबाव बनाए, चाइना से चर्चा करे, वहां के नागरिकों का विश्वास जीते, गवर्नेंस पर काम करे। अभी प्रियंका चतुर्वेदी जी ने बताया, उन्होंने तो चिट्ठी लिखकर पूछा, मैंने उनके खुद का जवाब पढ़ा राज्यसभा का, उसमें उन्होंने बताया कि 1025 सिर्फ घर बनाए, 6000 इन्होंने कहा था कि हम ठीक है, हम जल्दी से जवाब ले लेते हैं। जी 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 गौरव जी बताइए। ठीक बात नहीं है, सॉरी, ये ठीक बात नहीं है। ऐसे नहीं होता श्वेता जी कि 3-4 आलोचक बैठा दें और उनका चरित्र जो हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके साझेदार थे वो आपके आलोचक बन चुके हैं। मुझे नहीं याद आता है कि फौज का कोई भी व्यक्ति, कोई जनरल अगर आता हो तो वो आपसे सवाल पूछता था, लेकिन गलती है तो वो सवाल पूछ रहे हैं। मुझे नहीं याद आता है कि कोई कश्मीरी पंडित आप लोगों के लिए इतने तल्ख तेवर रखता था, इसीलिए ये मत कहिए कि आपका सहायक कौन कितना इसमें है, ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ेगा इस मुद्दे पर गौरव जी। और इसमें बीजेपी के दो प्रतिनिधि इस समय हमारे सामने बैठे हैं, आप अपनी बात पूरी कर लें, आप अभय दुबे का जवाब दे दें। और मैंने ये बात तो कही नहीं भाटिया जी की, जब जब बात आप उनको बोलने दीजिए, अभय जी बोलने दीजिए, अभय जी बोलने दीजिए। जी 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 यही दिक्कत श्वेता जी, अगर अगर इस तूतू में से फुर्सत हो तो हम पंडितों की बात पड़ेगा श्वेता जी, जब आप मुझे भी कुछ मौका दे दीजिएगा बोलने का। श्वेता जी प्लीज शांत कराइए प्लीज। देखिए ढूंढ के नहीं लाना पड़ेगा, 135 करोड़ भारतीय हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, और वो इसलिए खड़े हैं कि ईमानदारी से हमने आतंकवाद का खात्मा करने की ठोस कदम उठा के कोशिश करी है। मैं अब कुछ चीजें उजागर करता हूं आपके सामने। देखिए सुशील पंडित जी का जो दर्द है वो मैं समझ सकता हूं, और मैं एक ही बात कहूंगा, उन्होंने कहा जिहादियों का दिल। सुशील जी, जिहादियों का दिल नहीं जीता जा रहा है, जिहादियों का दिल जो है वो चीर के हम दिखाएंगे कि कैसे बदला लिया जाता है, कैसे उनको ठीक किया जाता है। लेकिन ये भी सत्य है कि पाखंड क्या होता है, पाखंड ये होता है कि पाकिस्तान जब अपना डोजियर देता है तो राहुल गांधी का वक्तव्य उस पर होता है, और क्या कहता है, इंटरनेट बंद मत करो, इंटरनेट मत बंद करो, यहां इंसानों की जान की बात है, ये इंटरनेट बंद करने पे हो हल्ला करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस ये भी बताए, ये कहते हैं अनुच्छेद 370 जो संशोधन किया गलत किया,
आप उसके अभी भी समर्थन में हैं या वापस लाएंगे, ये इनकी दोगली नीति। तीसरी बात इनसे पूछिए, क्या ये सही नहीं है, इनका मैनिफेस्टो कहता था आफ्सपा जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसको हटा लिया जाए, तो ये वो पार्टी है, ये लोग करते हैं ढोंग और ढकोसला। अभय जी बात पूरी करने दीजिए, वो भी बीच में नहीं बोले थे, सिर्फ एक तस्वीर दिखाई थी जी, ये गलत तरीका है। उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में प्रोविजन किया था। दूसरी बात देखिए, अब मैं आप बोल चुके हैं पीडीपी के बारे में, आप आरोप लगा चुके हैं जी, ये गलत बात है, गलत बात नहीं, बीजेपी ने डिक्लेयर किया था। देखिए दूसरी बात अभी, अरे श्वेता जी प्लीज रिक्वेस्ट है, इनको चुप करा लीजिए प्लीज। अभी यहां पे शिवसेना की सांसद बैठी है, उन्होंने अपनी चिट्ठी की बात करी, उन्होंने कहा 2014-15 में फैसला लिया गया था कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित किया जाएगा, किया गया 6000 को, लेकिन 2014-15 में तो शिवसेना एनडीए का हिस्सा थी, मतलब आप अपनी ही आलोचना कर रही हैं। दूसरी बात, चिट्ठी आज की है, इंटरनेट पे लीक कर दी गई इसलिए कि इस पे राजनीति हो, ये देश के साथ नहीं खड़े हैं, ये राजनीति करने के लिए हैं। इन्होंने गृह मंत्री से कोई बैठक का समय लेके, उद्धव ठाकरे ने ये नहीं कहा कि मैं मिलने आना चाहता हूं, एक सुझाव दूंगा, अपने सांसद की चिट्ठी लीक करा दी। तीसरी बात, ये तो सबसे बड़े मुलजिम है, मैं बताता हूं क्यों। आज जो लड़ाई चल रही है वो ये चल रही है जिहादी सोच की, और मैं स्पष्ट कहता हूं हमारे क्षेत्र में अन्य प्रदेशों के भारतीय नहीं आएंगे, तो यही तो शिवसेना की सोच है कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आएंगे तो हम लोग लात मारेंगे, हम हिंसा करेंगे, और इनकी इतनी हिम्मत है कि उद्धव ठाकरे जो 2 साल से अपने कार्यालय नहीं गए हैं वो कश्मीर जाए, किसी परिवार से मिले, नहीं मिले। तीसरी, चूंकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का बस एक टिप्पणी, श्वेता जी मुझे इसका जवाब देना है और मुझे उम्मीद है आप उनको मुझे उतना ही समय देंगे जितना समय मुझे जवाब इसका देना है। सबसे पहले तो गौरव भाटिया जी को कुछ तमीज सिखा दूं, वो माननीय मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी हैं, सम्मान से बात करिए, एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिसके सीने की जलन आपको आज तक होती है वो आपके बयान से स्पष्ट हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप अपने आपके बीच में नहीं बोल रही थी, तो आप चुप रहिए, सुनने की क्षमता नहीं हुई है अभी। मैं उस पार्टी की प्रवक्ता हूँ, सेना की प्रवक्ता हूँ, जब 1990 के दशक में आप जैसे लोग राजनीति कर रहे थे, आपका पार्टी राजनीति कर रहा था, तब एक हमारी पार्टी थी जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को सिर्फ पनाह ही नहीं दी, उनके लिए रिजर्वेशन किया, जैसे उनके बच्चे आकर पढ़ाई कर सके, महाराष्ट्र में पढ़ाई कर सके, आज वो गर्व से देश में ही नहीं दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे माननीय फाउंडर ने ये निर्णय लिया था, महाराष्ट्र में ये निर्णय लिया था, जहाँ 2% रिजर्वेशन हमने कश्मीरी पंडित के बच्चों के लिए किया था।